वेलकम टू ईपैब एकेडमी। मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल ईपैब एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स में इंडेक्स प्रॉपर्टीज चल रहा है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट को देख लिया। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स देख लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं या जीएस से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, हमने जी से यहां पर डिनोट कर दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है। जी इक्वल टू होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इन ए गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि हम लोग वाटर यूज करते हैं, यहां पर वाटर मेंशन कर देते हैं, इन ए सेम वॉल्यूम। अब इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम डिनोट करते हैं गामा एस एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर को गामा डब्ल्यू से। आगे और सिंप्लीफाई करें, हमें पता है गामा एस इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन हमें यहां पर एक चीज पता है कि जो हमारा वाटर है उसका और सॉलिड का वॉल्यूम सेम है, तो मींस हमारा बी एस इक्वल टू हो जाएगा वी डब्ल्यू। तो यहां से बी एस और वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारा जी का फार्मूला आएगा डब्ल्यू डी डिवाइड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा हमारे, और इसको हम ऊपर लिख देते हैं। हमें जी का रिजल्ट क्या पता चला है, जी इक्वल टू आया है जी इक्वल टू डब्ल्यू डी डिवाइड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, इसको यहां पर नोट रखेंगे। अब कुछ नोट्स पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए, आप लोग उसको साथ साथ में नोट कर देते हैं। क्या इसको डिटरमाइन करने के लिए, एक तो हम यूज करते हैं यूज 50 ml डेंसिटी बॉटल का यूज करते हैं, उसके अलावा 500 ml फ्लास्क एंड पिकनोमीटर का भी यूज किया जाता है। अब इसमें मेन पॉइंट्स और क्या आगे होंगी, जो डेंसिटी बॉटल होता है, डेंसिटी बॉटल is used for all type of soil. तो डेंसिटी बॉटल का यूज होता है सभी टाइप के सॉइल के लिए करते हैं। और जो हमारा फ्लास्क और इकोनोमीटर is used for coarse ग्रेन सॉइल। बट अगर हम पिकनोमीटर का यूज फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं तो वहां पर एक चेंज होगा। वो चेंज ये होगा कि जहां जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूड है वो वाटर की जगह पर केरोसिन यूज करेंगे। वहां पर क्या होगा, इफ पिकनोमीटर इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल then kerosene is used in place of water as a standard fluid। अब यहां एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाटर की जगह पर केरोसिन ऑयल क्यों यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा केरोसिन होता है, केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी जो होता है कंपेयर टू वाटर वो ज्यादा होता है। मीन्स मिट्टी को जो गीला करने की प्रॉपर्टी होता है केरोसिन ऑयल का, वो कंपेयर टू वाटर ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर हम लोग केरोसिन ऑयल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है सीधे अप्रोच पर चलते हैं, कैसे हम जो है रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। और हम ये सपोज करते हैं हमने पिकनोमीटर का यूज किया है। ठीक,
किसका यूज किया है, पिकनोमीटर का। तो पिकनोमीटर का यूज किया है तो हम लेते हैं एक पिकनोमीटर लिए और इसका वेट कर लिए। सपोज करो इसका वेट आया है W1, ये एम्प्टी पिकनोमीटर है, इसका वेट किए, इसका वेट हमें W1 पता चला। फिर उसके बाद इसमें हम क्या किए, एक ओवन ड्राइड सॉयल फिल कर दिए। क्या फिल कर दिए, ओवन ड्राइड सॉयल फिल कर दिए। और सॉयल फिल करने से हमें पता चला कि उसके बाद इसका वेट किए तो हमें सपोज करो वेट मिला, उसको मार्क कर लिए W2। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो इस पिकनोमीटर में ब्लैंक स्पेस है, ठीक, जो खाली जगह है, उसमें पानी भर दिए। ये ओवन ड्राइड सॉयल है, ठीक, और इस सॉयल में क्या होगा, वाटर तो नहीं होगा यहां पर, लेकिन क्या होगा, जो वाइट्स होगा उसमें एयर होगा। तो ये इंश्योर करने के लिए इस वाइट्स में एयर ना रह जाए, इसके लिए क्या करेंगे, जब यहां वाटर भरेंगे तो इसमें रेगुलर स्टरिंग करते रहेंगे, मीन्स उस रेगुलर उसको हिलाते रहेंगे, ताकि जो है पानी पूरी तरीके से सारे पोर्स में भर जाए और ये पूरी तरीके से एयर यहां से रिमूव हो जाए। तो यहां तक हमारा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड इसको आप लोग प्रॉपर मार्क कर लेंगे, ठीक, पास पास। और यहां पर क्या हो गया, वाटर भर गया। और इसका जब वेट किया हमें सपोज करो पता चला W3। फिर आगे फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, इस पूरे सैंपल को खाली कर लिया और अच्छे से साफ कर लिया। साफ करने के बाद हमने क्या किया, फिर इसको फिर से पानी से भर दिया। और पानी से भरने के बाद इसका फिर जब वेट किया सपोज करो W4 आया, जो भी वेट आया उसको मार्क कर लिया W4 आया। अब यहां पर एक चीज और मार्क कर लेना कि हमारा W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, W4 क्या है। तो यहां पर क्या है, W1 क्या है, एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर मतलब यहां क्या है, पिकनोमीटर, PYR हम लिखेंगे ताकि छोटे में आ जाए। और यहां पर क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल मीन सॉलिड, ठीक। फिर उसके बाद डब्ल्यू थ्री क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। और डब्ल्यू फोर में क्या है, वेट ऑफ पिकनोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। अब हमें क्या करना होगा, जी की वैल्यू फाइंड करना है और वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग मार्क नोट कर लिए होंगे, अभी फिर जरूरत पड़ेगी तो हम छोटा सा बना देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसको फाइंड करेंगे वेट ऑफ सॉलिड। क्या फाइंड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट कैलकुलेशन, हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड में फाइंड करना है, वेट ऑफ सॉलिड को फाइंड करना है, जो हमारा फर्स्ट अप्रोच है। तो उसके लिए क्या करें, हमें पता है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं, W1, W2, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। यहां पर जो एम्प्टी वेट था W1, यहां पर W2 ये है, W3 और ये W4। यहां पर वाटर पूरी तरीके से भरा था, यहां पर सॉलिड है और उसके साथ में वाटर है, और यहां पर सॉलिड है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। अब वेट ऑफ सॉलिड अगर हमें निकालना है तो यहां पर देखो, इसको हम डिनोट किया किसे, डब्ल्यू डी से। इस फिगर में देखना, समझने की कोशिश करना, अगर डब्ल्यू टू से माइनस डब्ल्यू वन कर दे, हमें वेट ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है, सॉलिड है, उसके अलावा हमारा पिकनोमीटर है, यहाँ पर केवल पिकनोमीटर है, तो पिकनोमीटर पिकनोमीटर माइनस हो जाएगा, बट ये क्या सॉलिड, ये हमारा सॉलिड ही तो है, ये डबल से ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी। तो हमारा फर्स्ट पता चल गया। सेकंड हमें अब क्या पता करना है, वेट ऑफ वाटर पता करना है, डब्ल्यू डब्ल्यू। और कौन सा वेट ऑफ वाटर पता करना है, वो वेट ऑफ वाटर पता करना है जिसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, जो हमारा सॉलिड सैंपल हमने लिया है उसी के जस्ट बराबर है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं, अप्रोच लगाते हैं, वेट ऑफ वाटर
वेट ऑफ वाटर इन थर्ड। इसको मार्क कर लेते हैं, ये फर्स्ट हमारा स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, और ये हमारा क्या था, फोर्थ। अब यहां पर थर्ड में क्या हो जाएगा, यहां पर अगर W3 से W2 माइनस कर दें तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा थर्ड में कितना है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या सॉलिड है, वाटर है और पिक्नोमीटर है, यहां पर क्या है तो सॉलिड और पिक्नोमीटर है, तो यहां पर क्या करेंगे W3 माइनस W2 कर दिए। फिर उसके बाद वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ, अगर फोर्थ में पता करना है तो क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा W4 है उससे माइनस कर देंगे हम W1 को। कैसे, देखो प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या है पिक्नोमीटर प्लस वाटर है फोर्थ वाले में, और यहां पर क्या है केवल पिक्नोमीटर है, तो पिक्नोमीटर से पिक्नोमीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या उपयोग हो जाएगा फोर्थ वाले में कितना वाटर हमने लिया है, तो थर्ड और फोर्थ में वाटर पता चल गया। ठीक, वेट ऑफ सॉलिड हमें यहां पता चल गया, इसको यहां पर मार्क कर लेते हैं और बाकी मिटाते हैं। वेट ऑफ सॉलिड है हमारा डब्ल्यू डी इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, इसको यहीं पर मार्क करके छोड़ देते हैं और बाकी सब मिटाते हैं, इस फिगर को भी हम मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग बना ही लिए हैं। अब देखो क्या करना है, एज वी नो एज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम मीन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमें यह पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, तो हमारा जो वेट ऑफ वाटर आएगा, कौन सा वेट ऑफ वाटर, जिसका वॉल्यूम इक्वल है वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, तो कितना हो जाएगा, अगर फोर्थ वाले में जितना वाटर है उसको थर्ड वाले से हम माइनस कर देंगे तो हमें उतना वॉल्यूम पता, उतना वेट पता चल जाएगा कि कितना वाटर हमने लिया है इन प्लेस ऑफ सॉलिड, तो इसको हम माइनस कर देंगे फोर्थ माइनस थर्ड, तो माने क्या हो जाएगा डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू टू। ठीक, आगे देख चलते हैं, आगे हम जी वाले फार्मूले में अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, जी इक्वल टू हो जाएगा क्या है डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, और उसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे, डब्ल्यू डी की वैल्यू हमें पता है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, और इसकी वैल्यू है डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू टू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू थ्री, और डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन की जगह पर हम डब्ल्यू डी भी प्लस कर सकते हैं और हमें ये एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, और डब्ल्यू टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन की जगह पर यहां पर भी डब्ल्यू डी रख सकते हैं, तो हमें ये चीज का फार्मूला पता चल गया। लेकिन अगर क्वेरोसिन यूज किया जा रहा है, सपोज करो क्या करें, जो हमारे स्टैंडर्ड फ्लूड है वहां पर अगर क्वेरोसिन यूज किया जाता है तो क्या होगा, इफ क्वेरोसिन इज यूज तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग होगी, और वो क्या चेंजिंग होगी, वो ये होगा कि जी इक्वल टू हमारा हो जाएगा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू डी लिखेंगे, और इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी आप केरोसिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो मान लिए जी के है, जी के क्या है मान कर लोगे, जी के इक्वल टू एसपीजीआर मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, और हमें हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग नोट साथ साथ ही बना रहे होंगे।
और आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग के सजेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, जैसे वीडियो लेंथ ज्यादा हो जा रही है तो आप लोग बोल रहे हैं थोड़ा लेंथ को रिड्यूस किया जाए, इसलिए लेंथ को हम कम कर रहे हैं। और आप इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल ईपीएफ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी, जो होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और उसको डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।